is a cardiovascular. So in the cardiovascular ducts, there are number of which collect impure blood from the body. Okay, means the impure blood means which is having the carbon dioxide in that. Okay, means after the cellular process takes place, means metabolism takes place, and after the metabolisms, that is a deoxygenated blood from the various parts of the bodies are collected by the veins, and this blood are reached to the heart in the form of atrium. There are four chamber of the heart, atrium and ventricles, so left atrium and left ventricles. From this blood reach to the lungs, where exchange of the gases takes place, means the oxygens are taken inside and carbon dioxide are removed from the blood. And then means the oxygenated blood are comes on the right atrium, from it reaches to the various parts of the body through the arteries. So this is circulation, transportation of bloods place takes. Okay, oxygenated and deoxygenated blood transport takes place, and in that process, heart is act as a pumping, means heart pump the act as a motor. In our homes, use the motors for pumping the waters to the highest place of the to the tank. Same as the सेम्स जैसे सेम ऐसा ही मोटर के जैसा हार्ट काम करता है और हार्ट भी पंप करता है. तो हार्ट पंप करने की वजह से वो जो ब्लड है वो बॉडी के सर के यानी एट द अपेक्स ऑफ द बॉडी. ओके, एंड माइंड से लेके टोज ऑफ द लेग्स. ओके, तो यहाँ तक ये ब्लड पहुँचाने का काम करता है, और ये इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये प्रोसेस जो होती है कभी रुकती नहीं. अगर जो आप आराम भी कर रहे हैं तब भी ये प्रोसेस चलती रहती है, कि तो आराम भी करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम इसको चाह कर भी रोक नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से खुद काम करती है. तो इसका खुद का काम क्या है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर. अब ये कंटिन्यूअस काम करने की वजह से, ओके, और अपनी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होने की वजह से, ओके, खाना पीना प्रॉपर नहीं होने की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, ये सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ओके, तो वो प्रॉब्लम्स को हम अलग अलग डिसीज के नाम से पहचानते हैं. ओके, तो प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा प्रॉपरली नहीं हुआ, हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, हमारा खाना पीना डिस्टर्ब है, हमारी नींद डिस्टर्ब है, ओके, हमारा काम नहीं करना डिस्टर्ब है, ओके, या फिर अचानक ज़्यादा काम कर लेना डिस्टर्ब है, ये सारे डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं बॉडी के अंदर. वो डिसीज अलग अलग तरह के होते हैं. अब ये तो हो गए ब्लड एंड वेसल्स. उसके बाद एक वेन होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. अब ये तो बॉडी के पूरे वेन्स हो गए, लेकिन हार्ट जो पंपिंग कर रहा है उसको खुद को भी तो कुछ चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसके भी वेसल सेल्स को काम करने के लिए. तो उसको भी जो है ब्लड पहुंचाने का काम करती है एक आर्टरी, दैट इज कोरोनरी आर्टरीज. ओके, तो कोरोनरी आर्टरी भी ब्लॉक हो गई तो फिर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. तो जो पार्ट काम कर, जैसा कि अभी देखिए मोटर जो हवा पानी पहुंचाती है, ओके, उसको पानी आ रहा है बाहर से, ओके, यानी उसको जो चाहिए रिक्वायरमेंट इनपुट मिल रहा है, पानी बाहर निकलेगा काम करेगी. उसकी अगर जो वायरिंग खराब हो गई, उसकी वायरिंग जो है खराब हो गई, तो वो फिर इनपुट आने के बावजूद भी आउटपुट नहीं देंगी. वैसा ही कोरोनरी आर्टरी जो है सबसे मेन आर्टरी है हार्ट की, वो आर्टरी में भी कहीं ब्लॉक तैयार होता है. जनरली उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज तैयार होते हैं, तो वो ब्लॉकेज की वजह से फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, उसका वर्किंग फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाता है, कम वर्क करती है. तो ऐसे टाइम में बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसा कि हाइपरटेंशन का हो सकता है, अंजाइना हो सकता है, ओके, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है,
तो ऐसे नंबर ऑफ डिसीजेज जो है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए जो थेरापी दी जाती है उसको हम बोलते हैं कार्डियो वास्कुलर ड्रग्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके बेसिस पर अगर जो हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो उसमें आएगा एक कार्डियोटोनिक ड्रग्स, ड्रग्स उसके बाद आता है हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ओके, उसके बाद आता है एंटी कोलेस्ट्रोलेमिक ड्रग्स, स्क्लेरोसिंग ड्रग्स और एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, डायूरेटिक्स, इतने सारे इसके अंदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स आते हैं। तो इसमें से हम पहला ड्रग्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कार्डियोटोनिक ड्रग्स। टॉनिक जो वर्ड है हम किस लिए यूज करते हैं? आप कभी बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो आपके साथ जो भी रहेंगे एल्डर, वो क्या बोलते हैं? आप लेकर गए तब आप डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जी, ये बहुत वीक हो गया। टॉनिक मीन्स क्या है? एक्चुअल में टॉनिक मीन्स एक टाइप का न्यूट्रिशन है। ओके, टॉनिक यानी उसके जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन बढ़ाने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं उसके और अच्छे से काम कर सके और न्यूट्रिशन मिल सके उसको। तो कार्डियो ड्रग्स दिए जाते हैं, नाम है स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स। अब वो तो है प्लांट के थ्रू स्पेसिफिक मिलते हैं, उसका नाम है प्लांट डिजिक परप्यूरिस लैंटा। तो डिजिटॉक्सिंस एंड डिकॉक्सिंस आर द वेल नोन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो है, ये जो नाम बताया मैंने बॉटनिकल नेम, इसका है डिटॉक्सिंस डी ऑक्सिंस डी ग्लाइकोसाइड्स। दिस आर द टू द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्जेस्टिक हार्ट फेल्यूअर इन द डिजिटली टेंड्स टू इन फोर्स एंड द वेलोसिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल एंड डज हेल्प इन द कंप्लीट एम्प्टीइंग द वेंट्रिकल्स। अब देखिए हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन से, पंपिंग ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा क्या होगा, हार्ट के अंदर का जितना भी ब्लड है वो पूरा की पूरा थ्रू द आर्टरीज बॉडी में पहुंच जाएगा, पूरे बॉडी के पार्ट्स में। ओके, थ्रू द आर्टरीज। ओके, रिलैक्स होगा तो बॉडी वो हार्ट इंटर हो जाएगा। तो जनरली ये जो जो ड्रग्स है ये क्या हम बढ़ाते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को इंक्रीज करते हैं। वो जो हार्ट में क्या है, मसल्स है, मसल कहने की मसल्स, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस उसके अंदर कंटिन्यूसली चलते रहता है। हब डब हब डब, आपको अगर जो आपने कान लगाकर सुना तो आपका आवाज आता है, तो वो किस लिए आता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये जो है कार्डियोटोनिक्स इसकी कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लो फोर्स और वेलोसिटी ये चीजें जो है कार्डियक साइकिल के अंदर बढ़ जाती है। जितना फास्ट होगा, जितना अच्छे से होगा, उतना ही फोर्स और कॉन्ट्रैक्टिविटी वो हेल्प करता है बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से पूरे वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो जाएंगे, पूरा ब्लड खींच लेगा। ओके, पूरे आर्टरीज में का ब्लड पूरे बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस साइकिल कंप्लीट होने के लिए हमको जो ड्रग्स दी जाती है उसको बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ओके, वासो डायलेटर्स, डायलेशन फैलना। ओके, वासो यानी वेस्कुलर, ओके वेस्कुलर सिस्टम,
जो नर्व्स है जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसका डायलेशन करने की प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर एक होती है कोरोनरी आर्टरीज, ओके, जो कि सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट मसल्स। मैंने आपको बताया है कि आर्टरीज जो होती है कोरोनरी आर्टरीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है सबसे बेस्ट। एक बारी का बॉडी के कोई पार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पर्टिकुलर पार्ट को नुकसान होगा, लेकिन हार्ट को अगर जो ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या हो जा सकता है, डेथ हो सकती है, ओके। तो हार्ट बोझ को ब्लड सप्लाई करना मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कोरोनरी आर्टरी इसका काम करती है। अब जब हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है तब क्या होता है, ज़्यादा काम करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने के बाद फिर रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, ओके। अब ये ऑक्सीजन का सप्लाई जो है हमको मिलना चाहिए, वैसा अगर जो वेसल्स अगर जो नैरो हो गए, ओके, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है थ्रू हार्ट से लंग, इसके साथ लंग्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर एक्सहेल होता है, तो उतने ही क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी की भी डिमांड होती है हार्ट को। अब उतने ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड सब फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, फिर वैसे ही वेसल्स का साइज भी होना चाहिए। वेसल्स अगर छोटे हैं, अब ये आपको आजमाना है तो आप देखिए, जो हमेशा रनिंग करता है कोई अगर जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, कोई हमेशा रनिंग करता है, चलता है, दौड़ता है, तो उसको जो है अगर जो 1 किलोमीटर चलने लगाए तो उसको लास्ट एंड पे पहुंचने के बाद उसको एक तो दम नहीं आएगा, सांस नहीं फूलेंगी, या भी थोड़ी बहुत फूलेंगी जो कि उसके कंट्रोलेबल रहेंगी। वही अगर जो देखा जाए दूसरे को, एक जो कि जो हमेशा लेजीनेस रहता है, घर पे रहता है, उसको हैबिट नहीं है, उसको अगर जो वहाँ से दौड़ाएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, उसको बहुत जोर से सांस चलेंगे, वो रुक जाएगा, जगह पे रुक कर सांस लेगा ताकत से। सांस लेना मीन्स क्या होना कि बॉडी, सांस लेना मीन्स क्या होना, बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की डिमांड है, वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम जोरों से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जोर से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जोर से सांस लेते हैं। तो ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए मीन्स क्या है, जो लेजीनेस है, जिसको हैबिट नहीं है वर्क करने की, जो हमेशा रनिंग वगैरह जो है एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके वेसल्स नैरो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो वेसल्स छोटे होने की वजह से वो डिमांड जो फुलफिल करने के लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, ओके। वही एथलेटिक्स को ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। आपने और एक एग्जाम्पल बेस्ट है समझने के लिए, आप डेली अगर जो कॉलेज में आते हैं, हमारी केमिस्ट्री लैब कौन से फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे है ना। हेलो, हाँ, तो मेरा भूल गए क्या, लॉकडाउन में हमारी केमिस्ट्री लैब सेकंड फ्लोर पे है। केमिस्ट्री लैब से लाइब्रेरी में जाना है साइन लेने के लिए, लाइब्रेरी से वापस केमिस्ट्री लैब में आना है, साइन भूल गए वापस से किसकी, मेंटोर की, वापस से लाइब्रेरी में जाना है, साइन लेना है, वापस आना है। जिसको हैबिट नहीं है वो दम आएगा उसको, वो सांस लेगा जोर जोर से मुंह से, ओके, और जिसको हैबिट है वो साइलेंटली रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। इसका मतलब क्या, जिसको आप कंटिन्यूसली वर्क करने की आदत है, जिसको कंटिन्यूसली वर्क करने की आदत है, उसके वेसल्स की साइज जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, ओके। वेसल्स उसके बड़े रहेंगे, तो वेसल्स अगर जो बड़े रहेंगे तो उसमें से फ्लो जो है ऑक्सीजन का आसानी से हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब यही है। तो जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो फुलफिल करने के लिए क्या हो जाता है, फिर प्रेशर क्रिएट होता है वेसल्स पर, ओके, और वो वेसल्स के साइज नैरो होने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई जो है इनसफिशियंट हो जाता है, इन सब बहुत ज़्यादा दम आ जाता है फिर, जिसको हैबिट नहीं है उसको। दिस पुट्स फर्दर स्ट्रेन ऑन द हार्ट, जिसके वजह से हमारे हार्ट पर जो है क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, ओके, अभी तो रिजल्ट इन द सीवियर, जिसके वजह से कभी कभी आपने देखा होगा हार्ट के ऊपर दर्द होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज अनजाइना। इसी को क्या बोलते हैं, अनजाइना बोलते हैं। तो ये हमारे स्टेज में, हमारी जो एज होती है, ये एज के स्टेज में जनरली बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, हल्का फुल्का हो जाता है, हम उसको कवर कर लेते हैं।
लेकिन कुछ कुछ पेशेंट के अंदर ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल और दूसरे भी कुछ कारण की वजह से नैरोइंग ऑफ द वेंस हो जाता है, आर्टरीज हो जाता है, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो जाता है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं पेशेंट को, आप स्टेयर्स मत चढ़िए, रनिंग मत करिए, वजन सामान मत उठाइए। ये सारी चीज़ें बोलने का रीज़न क्या है, ताकि आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा ना लगे। ज़्यादा डिमांड लगेगी तो प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से चेस्ट पेन होगा। इसलिए आप हल्का फुल्का रहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहिए, ऐसा बोला जाता है। तो रीजन क्या है, यही आर्टरीज का जो है साइज कम हो जाना, उसके नैरोइंग हो जाना आर्टरीज, जिसके वजह से हार्ट पर स्ट्रेन आता है, और ये डिसीज को बोलते हैं हम अनजाना। तो क्या एक्शन अब रिक्वायर्ड है, कौन सी एक्शन रिक्वायर्ड, वासो डायलेशन। ये जो है आर्टरीज का डायलेशन बहुत जरूरी है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डायलेट कोरोनरी ब्लड वेसल्स बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स। अब उसके अंदर जो मसल्स रहेंगे वो मसल्स को स्मूथ करना जरूरी है। तो दिस इंक्रीज द, अब जिसके वजह से क्या होगा, ये अगर जो आर्टरीज को हमने कुछ ऐसे ड्रग्स दे दिए जिसके वजह से इसका रिलैक्सेशन चालू हो गया, अब रिलैक्सेशन चालू हो गया इसकी वजह से क्या होगा, फिर रिलैक्स हो गया तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा एम वही है कि क्या होना चाहिए, ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए। तो ब्लड का अगर जो फ्लो बढ़ गया तो ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, हार्ट मसल्स को बढ़ जाएगा। देयर फॉर वासो डायलेशन और एंटी एंजाइमल एजेंट इज यूज, इसकी वजह से वासो डायलेटर्स ड्रग का नाम है, और एंटी एंजाइमल एजेंट इज यूज टू ट्रीट द कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, स्पेशली अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना का प्रॉब्लम हुआ है, अंजाइना मीन्स चेस्ट पेन, कभी भी याद रखिए, एंड रिलीव द एसोसिएटेड विद द पेन्स। दिस ड्रग शुड बी फास्ट एक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होनी चाहिए, एंड शुड लास्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम्स, हाउ एवर दे शुड नॉट प्रोड्यूस द टॉलरेंस। इसके वजह से टॉलरेंस मीन्स अभी जो ड्रग्स दिए वो ड्रग्स कुछ दिन लेने के बाद उससे हायर ड्रग्स चाहिए, तो ऐसे ड्रग्स नहीं यूज़ करना है हमको जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया था अंजाइना। पता है फिर अंजाइना किसको बोलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब हाइपरटेंशन का वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, हाइपरटेंशन, टेंशन बढ़ गया, हाइपरटेंशन बढ़ गया, तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से। तो ब्लड प्रेशर में होता क्या है, सर हे ना म्हणजे चेस्ट पेन होता ते हाँ, टेस्ट टेस्ट, तर हायपरटेंशन मध्ये काय होते बघा, ब्लड प्रेशर जो होता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से ही ब्लड जो है बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर जाकर पहुंचता है। और ये प्रेशर किसके वजह से क्रिएट होता है, इट इज ड्यू टू द हार्ट, क्योंकि तो हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है ब्लड को। अब थ्रू द, किसके थ्रू ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल के थ्रू। तो उसके वजह से क्या होता है, एक आर्टरीज पे कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर के साथ अगर जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज के अंदर, तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो उसके वाल ऑफ द आर्टरीज पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वाइल फ्लोइंग, जब भी उसमें से बह रहा है तब। तो वो जो प्रेशर डिपेंड करता है कि कार्डियक जो है, हार्ट जो है, उसका आउटपुट कितना है, कितना आउटपुट में वो बाहर फेंकता है, और उसका वॉल्यूम कितना है, वो ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है, और वो आर्टरीज की इलास्टिसिटी कितनी है,
और साथ में पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है उसका प्रेशर कितना रहे। एक जनरल बात समझिए, अब आप देखे होंगे कि हम जो है मोटर पंप जो होती है पानी के लिए लगाते हैं, तो उसका पाइप जो है वो अगर जो बारीक रहा तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है पाइप पर। वही अगर जो 1 इंच का पाइप रहा, 2 इंच का पाइप रहा, तो क्या होगा, वो प्रेशर ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका। तो वैसा ही यहाँ पर डिपेंड करता है कि हार्ट कितना आउटपुट में ब्लड बाहर फेंक रहा है। ओके, दूसरी बात क्या है, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, उसकी ब्लड की विस्कोसिटी कैसी है, और जो आर्टरीज के थ्रू वो बहने वाला है, जो पाइप के थ्रू वो बहने वाला है, वो पाइप की इलास्टिसिटी कितनी है, और साथ में रजिस्टेंस कितना है उसको पेरीफेरी वेस्कुलर सिस्टम का, और इससे सारी चीज़ें ब्लड फ्लो पे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा। ओके, तो इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ गया तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दो दो चीज़ें हमारे जो जो फेस चलते हैं बॉडी के अंदर, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। मीन्स द आप जब ब्लड प्रेशर गिनने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ने अभी आपके इसमें से किसी ने आपका खुद का ब्लड प्रेशर चेक किया है कभी? यस सर, कितना आया था? सर लक्षित नहीं है थे। तो उसमें दो वैल्यूज आते हैं, एक आती है छोटी वैल्यू और एक आती है बड़ी वैल्यू, यानी एक आती है 100 से नीचे वाली वैल्यू और एक आती है 100 से ऊपर वाली वैल्यू। तो जनरली वो लिखते हैं वैसा 90 डिवाइडेड बाय 120, 80 डिवाइडेड बाय 120, 95 डिवाइडेड बाय 140, ऐसा लिखते हैं, दो वैल्यूज रहते हैं। तो जो दो वैल्यू आते हैं जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें, अभी आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए ब्लड प्रेशर चेक करने के, वो भी ये वैल्यू बताते हैं। तो वो अगर जो आपको वैल्यू पता है तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो एक होती है उसके अंदर डायस्टोलिक वैल्यू और एक होती है सिस्टोलिक वैल्यू। जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम डायस्टोलिक वैल्यू बोलते हैं, और जो बड़े वाली वैल्यू होती है उसको हम सिस्टोलिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये डायस्टोलिक वैल्यू, ये छोटी वाली वैल्यू होती है, ये किसकी वजह से होती है, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, और जो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है, ओके, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो ये दो जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो वैल्यू होती है डायस्टोलिक, वो रिलैक्सेशन फेज की बात करती है, और सिस्टोलिक वैल्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात करती है। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों में से कोई भी वैल्यू डिस्टर्ब हो गई तो डॉक्टर उससे ही पहचान लेता है कि इसके जो है ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर कम हो गया है, इसी पे से ये वैल्यू के बेस पे से वो पहचान लेता है। फिर उसके थ्रू वो आपको जो है बीपी के ब्लड प्रेशर की गोलियां वगैरह प्रिस्क्राइब करता है। अब ये होने के बावजूद भी अगर जो आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो उसके बाद क्या करता है, आपका जो है टेस्ट वगैरह होते हैं वो फर्दर तो टेस्टिंग करता है। लेकिन बेसिक चीज़ जो है, बेसिक, जब आपको अचानक घबराहट हो गई, पसीना छूटना चालू हो गया, तो फर्स्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो आपकी ब्लड प्रेशर ही चेक करेगा। तो ब्लड प्रेशर में आपके दो वैल्यू देखेगा, एक तो सिस्टोलिक वैल्यू देखेगा, दूसरी जो है डायस्टोलिक वैल्यू देखेगा। तो ये दो वैल्यू जो है बहुत होती है। तो इसके बेसिस पे हम जो है रिमेनिंग पार्ट जो है